एहतशामुद्दीन हुसैन है, शाह मेरा तखल्लुस है। इसी मुनासबत से लोग मुझे कव्वाल शाह जी के नाम से जानते हैं। मेरे वाले साहब का नाम उस्ताद कव्वाल बहाउद्दीन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान में खुसरो ट्रेडिशन है तो सिर्फ मेरे वाले साहब की मेहनतों की वजह से था। मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ, मुझसे बड़े चार भाई हैं। मैंने ग्रुप ज्वाइन किया वाले साहब का 95 में, फिर उसके बाद वाले साहब के साथ मुस्तकिल अंडर ट्रेनिंग रहा। जब मेरे वाले साहब का विसाल हुआ उससे एक साल पहले मुझे कहा कि अब आप आगे आइए और आगे आके परफॉर्म कीजिए। उस ग्रुप का नाम कव्वाल नजमुद्दीन सैफुद्दीन और ब्रदर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूँ। दिल्ली से स्टार्ट हुआ ये, कि सब कुछ दिल्ली में हुआ तो इसलिए कव्वाल बच्चे घराना ऑफ दिल्ली के नाम से ये एक ख़ानदान स्टार्ट हुआ जिसको 12 बच्चे लेके चल रहे थे। कव्वाल बनने के लिए एक तरबियत की ज़रूरत होती है। आपको पता है ऑलमोस्ट 20 साल लगते हैं एक प्रॉपर कव्वाल बनने में, मौसिकी सीखने में, शायरी सीखने में, लैंग्वेजेस सीखने में, तरीक़त सीखने में, हकीकत सीखने में। इन तमाम चीज़ों को जब मिलाते तब जाके कव्वाल बनता है। मैं अपना फ़र्ज तो पूरा करूँ, लोगों को बताऊँ कि कव्वाली दरअसल है क्या। कव्वाली चंद कलाम याद करके उनको आगे कन्वे करने का नाम नहीं है, उसे एंटरटेनमेंट कहेंगे। आज फी ज़माना जो आप लोगों को देख रहे हैं वो कव्वाल नहीं है, वो एंटरटेनर है, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो किसने लिखा है, जिसने लिखा है वो कौन है, उसका ताल्लुक किस सिलसिले से है, उसने ये किस पैराए में लिखा है, उसकी हिकमत क्या थी, उसने क्यों अपने और रब के मामलात को आश्कार किया। इसी वजह से मैं आज से तकरीबन 10 साल पहले इस सिखाने के प्रोफेशन में आया। कव्वाली जो ख़ानदानी तौर पर राइज थी, जो रिवायती तौर पर राइज थी, उसका एक मकसद हुआ करता था। हज़रत अमीर खुसरो ने जब ये कलाम बनाए तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखा और उसके साथ अपनी अकीदतों को शामिल करके इन कलामों को राइज किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह 800 साल से आज भी राइज है। और बेसिकली इन कलामों का मकसद ही रूहानियत के मदारिज को तय करना है। आज भी ये कलाम सुन रहे होते हैं और अपनी अकीदत के अंदर बड़ी मोहब्बत के अंदर सुन रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूह में बालीदगी महसूस करते हैं, अपनी रूह में हल्कापन महसूस करते हैं। इसलिए वो जब वो कव्वाली की महफिल से उठ के जाते हैं तो अपने अंदर एक नयापन महसूस करते हैं। मेरे वाले साहब कहा करते थे कि कव्वाल के लिए सूफ़ी होना बहुत ज़रूरी है, तो हमें कहा कि बेटा एक कव्वाल बनने के लिए किसी खानकाह से वाबस्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत खानकाहों में हुई। ताजुद्दीन बाबा की दरगाह है, हम वहाँ से वाबस्ता हैं। न्यू कराची में दो दरगाह, हज़रत मतीन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, उसी से आगे हज़रत मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की दरगाह। तो ये वो दरगाहें हैं जहाँ पर हमारी तरबियत हुई, जिन्होंने हमको कव्वाल बनने में बहुत हेल्प की। Oh,
मुराकबे की हालत में उनको बहुत अच्छा लगता है अचानक, तो वो अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और अपनी मुर्शद को नज़र करते हैं। जब उनको बहुत मज़ा आता है वो अपने आप को असल में बेकाबू हो जाते हैं, उस मुराकबे के अंदर बेकाबू होते हैं, तो वो पैसे लेकर अपने मुर्शद के पास जाते हैं। मुर्शद उस नज़र को लेकर उनके सर पर जब हाथ रखता है तो वो उनकी रूह दोबारा एक कंट्रोल में आ जाती है उनकी। आपको जैसे मालूम है कि हुकूमत बिल्कुल भी किसी भी मामले में हमको किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं कर रही। एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड उस गली के अंदर है और तमाम के तमाम एक ही चीज़ पर है, उसे कहते हैं फतेह कवाली। बेचारे इतनी बुरी हालत में हैं कि वो रक्षा चला रहे हैं, कुछ कव्वाल पाए बेच रहे हैं, कुछ कव्वाल परचून की दुकानें चला रहे हैं। अगर अभी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो ये फ़न, ये 800 साल फ़न जो हम लेके चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो हमें 17 साल हो गए हैं और इस 17 साल में हम तकरीबन 45 ममालिक जा चुके हैं, एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका जा चुके हैं हम लोग साथ। पहला तो ये कि हम जो ईरान गए वो वक्त वालिद साहब के साथ पहली दफ़ा निकले थे और हमें वालिद ने पहली दफ़ा अपने मौजूदगी में परफॉर्म करने की इजाज़त दी थी। और ईरानियों ने बुलाया इसलिए था कि आप वाहिद कव्वाल हैं जो फारसी ज़बान में समझते हैं, फारसी समाज बेहतर अंदाज में पढ़ते हैं। जी जी।